जब आईन बनाया गया और आईन जब बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, तो तमाम हिंदुस्तानियों से एक वादा किया गया था कि ये मुल्क किसी एक मजहब का नहीं होगा, बल्कि ये मुल्क तमाम मजाहिब को मानेगा। ये मुल्क उन लोगों को भी इज्जत देगा जो किसी मजहब को नहीं मानते। ये इस मुल्क की बुनियाद रही है। आज बीजेपी की हुकूमत अपनी अददी ताकत के बुनियाद पर इस मुल्क की बुनियादों को कमजोर करने का काम किया है, इस तरह के काले कानून को बनाकर। यह एहतजाजी जलसा न सिर्फ CAA के खिलाफ है, बल्कि यह एहतजाजी जलसा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के भी खिलाफ है। यह एहतजाजी जलसा NRC के भी खिलाफ है। और हम इस जलसे के जरिए मरकजी हुकूमत को यह पैगाम दे रहे हैं कि हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हैं, हम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिस काम का आगाज आइंदा साल अप्रैल 2020 से शुरू होगा, हम उसके खिलाफ हैं। और NPR के बाद नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन सिटीजन NRIC होगा, हम उसके खिलाफ भी हैं। अभी मैं बैठा था तो हमारे मीडिया के लोग ने मुझे फोन करके बताया कि हिंदुस्तान के वजीर दाखिला, जिनके पास कानून की डिग्री नहीं है मगर अपने आप को बहुत बड़ा कानूनदान समझते हैं, उन्होंने एक मीडिया के लोगों को इंटरव्यू देते हुए जनाब अमित शाह ने यह कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, अगर ये कहा जाए कि सूरज मशरिक से निकलता है तो असदुद्दीन ओवैसी कहेगा कि नहीं, वो मगरिब से निकलता है। ये सुनिए, इसमें मेरे भाई देखिए, ये एक अहम बात आपसे कर रहा हूं। तो ये अमित शाह ने कहा, और कहा कि NPR का, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का, NRC से कोई ताल्लुक नहीं है। और अमित शाह ने भी कहा कि NRC का भी कोई ताल्लुक नहीं है। हमने कभी कहा ही नहीं ये बात। कहां से आ गई ये बात, किसने कहा ये बात? तो हिंदुस्तान के वजीर दाखिला महबूब नगर की इस महबूब नगरी से मैं आपका जो पार्लियामेंट में आपने बयान दिया था, जरा आवाम को सुना देता हूं कि आपने मेरा नाम लेकर लोकसभा में कहा था कि ओवैसी साहब, अब मुल्क में NRC आएगा। ये इसका वीडियो है, वरना मैं चला देता था, मगर आप जाकर देख सकते, ये आवाज है, सुनिए। इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में NRC हुकर है, कोई बैकग्राउंड बना नहीं, बैकग्राउंड है ही, हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। फिर से सुनिए, माननीय ओवैसी साहब ने अभी कहा कि NRC का बैकग्राउंड बना रहे हैं। NRC का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है, हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में NRC होकर है। अब ये आज अमित शाह ने ये बात कही दी, ये तो मैं बना के लेने लाया, ये तो मैं बना के नहीं लाया, ये तो पार्लियामेंट का वीडियो है, लोकसभा के वेबसाइट का वीडियो है। वजीर दाखला मेरा जवाब, मेरा नाम लेकर कह रहे हैं कि NRC आएगा, हमारे घोषणा पत्र में यानी इलेक्शन मैनिफेस्टो में है, आके रहेगा। और दो दिन पहले हिंदुस्तान के वजीर आजम दिल्ली के रामलीला ग्राउंड से तकरीर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि कहां से आ रही बात NRC की, है किसने कह दिया, कहां से आया, है ही NRC का जिक्र। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप रामलीला ग्राउंड से तकरीर कर रहे थे, मैं आपको राम का वास्ता दे के पूछ रहा हूं कि भाई मैं तकरीर बंद कर दूंगा, तुम ये करेंगे तो
कोई पिक्चर देखने आए यहां पे? एक हिसास मसला है आपको समझाने के लिए आए। मैं उनसे पूछ रहा हूं कि क्या आपने आपकी हुकूमत बनने के बाद सदर जमहूरिया का जो खुतबा होता है, क्या सदर जमहूरिया ने उस खुतबे में पढ़कर नहीं सुनाया कि एनआरसी लाएंगे? सदर जमहूरिया का खुतबा बनाती है मरकजी हुकूमत, पार्लियामेंट में पढ़ा गया था, क्या वो झूठ है? क्या वजीर आजम आपने एक अंग्रेजी इंग्लिश न्यूज चैनल टाइम्स नाउ को, जिसके मशहूर और मारूफ एंकर्स हैं मोहतरमा नविका कुमारी साहिबा और जनाब राहुल शिवशंकर के सामने अपने प्राइम मिनिस्टर के घर में हरियाली में बैठकर चिड़ियों की आवाज में मोर की पुकार में, क्या आपने नहीं कहा कि क्यों एनआरसी नहीं आएगा? एनआरसी आएगा, ये आपने कहा है, मैं नहीं कहा हूं, ये आपका बयान है कि आप एनआरसी लाएंगे। हम वजीर आजम से एक ही बात पूछना चाह रहे, वजीर आजम आप सच बोल रहे या आपका वजीर दाखला झूठ बोल रहा है? आप बोल दो खुला कि अमित शाह झूठ कह रहे हैं, मैं सच कह रहा हूं। अगर आप ये बोल देंगे तो मैं हिंदुस्तान की लोकसभा में अमित शाह के खिलाफ स्पीकर को जाकर एक पार्लियामेंट्री ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की नोटिस दूंगा, ये मुझे अख्तियार है। मगर वजीर आजम ये कह रहे हैं कि नहीं, कहां से आगे एनआरसी की बात? वजीर आजम ने अपनी तकरीर में यह भी कहा कि डिटेंशन सेंटर कहां बने, किधर है? हिंदुस्तान के वजीर आजम महाराष्ट्र के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने, जो आपके पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे जो अब नहीं है, उन्होंने कहा कि नवी मुंबई में हमने डिटेंशन सेंटर की जमीन रख दी है। कर्नाटका के एक मुकाम पर डिटेंशन सेंटर बन चुका है। आसाम में 7 फुटबॉल फील्ड के बराबर एक डिटेंशन सेंटर बन रहा है और आप कह रहे हैं डिटेंशन सेंटर नहीं बन रहा है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम तो ये आपसे उम्मीद नहीं कर रहे थे कि हां अगर इलेक्शन के वक्त आप कुछ कह देते तो हम समझते कि आप एक लंबी तोप से मार रहे हैं, मगर ये तो मुल्क का एहसास मसला है। 18 लोग मर चुके हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बेंगलुरु में 2 लोग मर गए, जामे मिलिया का एक तालिबे इल्म अपने अपनी आप को खो दिया पुलिस की लाठी जब उस पर पड़ी मिनाजुद्दीन को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक बच्चा उसके हाथ में टियर गैस फूटा तो उसके हाथ को काटना पड़ा, इतने लोगों की अमवात हुई है, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान के वजीर आजम अगर ये कह रहे हैं तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वजीर आजम आप सच बयान नहीं कर रहे, आप गलत बयानी से काम कर रहे हैं। अब रहा सवाल अमित शाह का, जिन्होंने कहा कि ओईसी को अगर ये कहा जाए कि सूरज इधर से निकलता तो उधर से निकलता कहीं, कई मीडिया के लोग बोले कि इसका क्या है, एक मीडिया के चैनल ने लिख दिया कि अमित शाह ने ओईसी को बहुत क्लियर कर दिया। भाई साहब याद रखो, अमित शाह से हिंदुस्तान के किसी भी टीवी चैनल पर बैठकर बहस करने तैयार हूं, मैं बहस करने तैयार हूं, और सवाल यह है कि एंकर तुम्हारा चमचा नहीं होना, कोई दूसरा एंकर होना। अगर एंकर तुम्हारे जहनीयत का होगा, तुम्हारा प्यारा होगा तो फिर बहस नहीं होगी। मगर खैर, जो अमित शाह ने कहा कि एनपीआर का एनआरसी से कोई ताल्लुक नहीं है, बराबर है, अमित शाह झूठ कह रहे हैं। एनपीआर जो आइंदा साल 2020 अप्रैल में शुरू होगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसका ताल्लुक एनआरसी से है। पहले जब माजी में एनपीआर हुआ था तो उसमें यह नहीं पूछा गया था कि तुम्हारे मां बाप कहां पर पैदा हुए, अगर बाहर पैदा हुए तो जगह बताओ। पुराने एनपीआर जो किया गया था माजी में, उसमें यह नहीं पूछा गया कि पासपोर्ट है या नहीं, बताओ। ये सब बातें इस एनपीआर में लिखी गई है सवालात में, और एनपीआर का ताल्लुक एनआरसी से है। फिर से अमित शाह गलत कह रहे हैं।
सच्चाई को छुपा रहे हैं, इसकी मिसाल दे रहा हूं। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि मेरी इस तकरीर के बाद जाकर जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, शायद सुबह तक उसको गायब भी कर सकते हैं लोग, इसीलिए मैं उसकी फोटो लेके रखा हूं। मैं जानता हूं आपकी सियासत को, अमित शाह नरेंद्र मोदी ये नॉर्मल सियासतदान नहीं है, इतना याद रखो आप, ये कोई रिवायती सियासतदान से आपका मुकाबला नहीं हो रहा है, ये मुख्तलिफ किस्म के सियासतदान है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का वेबसाइट पर सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया का आप जाकर देखो, जिसपे लिखा गया है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डिवीजन। अब उसमें क्या लिखा गया अंग्रेजी में पढ़ देता हूं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो अप्रैल 2020 में शुरू होगी, उसमें लिखा गया इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एन एनपीआर, कि हिंदुस्तान कौमी पॉपुलेशन रजिस्टर को कायम करने के सिलसिले में आगे बढ़ रहा है। और अहम बात यहां पर इनका जो झूठ सामने आएगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, यानी एनपीआर जब बनेगा ये पहला कदम होगा एनआरसी को कायम करने का। अब ये आपके वेबसाइट पर है जनाब वजीर दाखला, ये मैं पाकिस्तान के वेबसाइट से नहीं लाया हूं, हिंदुस्तान के होम अफेयर्स के वेबसाइट पर लिखा हुआ है इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एन एनपीआर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। और आप मीडिया को बोल रहे कोई ताल्लुक नहीं है, ओएसी ऐसी बकते रहता है, ये इनका एक बात। दूसरी बात, 26 नवंबर 2014 को मिनिस्टर ऑफ स्टेट उस वक्त के किरण रिजिजू साहब के अरुणाचल प्रदेश के आज भी एमपी हैं, एक पार्लियामेंट के सवाल के जवाब में कहा द एनपीआर इज ए रजिस्टर ऑफ ऑल द यूजुअल रेजिडेंट्स विच इंक्लूड सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन एज वेल। अब यहां पर सुनिए, पार्लियामेंट में जवाब दिए द एनपीआर इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ एनआरसी, यानी एनपीआर पहला कदम है एनआरसी बनाने का। ये आपके मिनिस्टर 26 नवंबर 2014 को कहते हैं, और फिर यही जवाब का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पर छपा। इससे हटके इनको और चाहिए सच्चाई, तीसरा इनका झूठ। मैं वही बैठ के तकरीर कुछ और मूड में आया था, मगर जब हजरत शाह साहब ने कुछ कहा तो मिला हम भी शाह से कम नहीं है। इनका सुनिए, आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीआईबी का वेबसाइट है, ये है 26 नवंबर 2014 और 5:09 पर इसको डाला गया शाम के, क्या कह रहे हैं इसमें, द एनपीआर इज अ रजिस्टर ऑफ ऑल द यूजुअल रेजिडेंट्स विच इंक्लूड सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन एज वेल, द एनपीआर इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ एनआरआईसी। ये क्या है भाई? फिर मीडिया अलग बात है कि मीडिया सवाल जब करता है तो अमित शाह से डर के नहीं पूछते होंगे, या हम खुला बता रहे हैं आपको, हकीकत बता रहा हूं, ये तीन चीजें आपके सामने रखा हूं। और वजीर दाखला कहते हैं कि नहीं, अगर मशरक से सूरज निकलेगा तो वो भी बोलेगा मगरिब से, नहीं, ये सच्चाई ये है जो मरकजी हुकूमत छुपा रही है। और याद रखिए आप, एनपीआर का काम जब शुरू होगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का काम अप्रैल 2020 से शुरू होगा, गजट नोटिफिकेशन इश्यू हो चुका है, एक एक रियासत में कम से कम 70,000 गवर्नमेंट के मुलाजमीन ये काम करेंगे, वो आपके घर पर आएंगे, आपसे सवाल करेंगे, नाम क्या है, कितने बच्चे हैं, ये कहां पे पैदा हुए,
आधार कार्ड है क्या, पासपोर्ट है क्या, अगर आपके मां बाप हिंदुस्तान में नहीं पैदा हुए, कोई फॉरेन कंट्री में पैदा हुए, वो कहां पैदा हुए जरा बताइए। अब आप इनको दे दिए डॉक्यूमेंट, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद इन्हों क्या करते, एक लो लेवल का ऑफिशियल होगा, वो बोलेगा असदुद्दीन ओवैसी और किसी और गैर मुस्लिम का नाम होगा, वो बोलेगा नहीं इस पे मेरे को डाउट है। ये मैं कह रहा हूं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोई बल्दिया इलेक्शन में वोट लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये कुल जमाती जलसा, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आप डॉक्यूमेंट जब दे देंगे तो वो कहेगा कि नहीं आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए मैं इससे मुतमईन नहीं, मैं इससे मुतमईन नहीं हूं, तो आपको क्या लिखेगा, डाउटफुल डाउटफुल सिटीजन लिखेगा। अब डाउटफुल लिखने के बाद आपसे वो अहदेदार कहेगा कि असद साहब जरा और डॉक्यूमेंट लाइए, मैं मुतमईन नहीं हूं। अब सिलसिला चला तो लोटे को भी लाना पड़ेगा। नहीं नहीं क्या मालूम, उसका टेस्ट करा के देख लो भाई, ये लोटा लेकर गए थे, अगर देखना है तो बैतुल खला की कमोड भी देख लो। अरे डॉक्यूमेंट जीत लिए, कामयाब हुई है, उसको अंदर जाने दे रहे, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि एनपीआर जब होगा तो हमारा नाम डाउटफुल में नहीं डाला जाएगा। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग, इस मुल्क को आप जिना के रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं, दोबारा पार्टीशन के रूह को जिंदा कर रहे हैं बीजेपी, इसीलिए हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। ये रूल्स हैं, बीजेपी के लोग आपसे कल बोलेंगे नहीं एनपीआर जो सेंसस के मुताबिक होगा, नहीं झूठ बोल रहे हैं, सेंसस 1948 एक्ट के तहत होता, सिटीजनशिप 1954 एक्ट के तहत ये एनपीआर एनआरसी होगा। ये समझते हैं कि हमारे कान में फूल है और पी लाल बस से उतरे, हमारे कान में यकीनन फूल हो सकता है, मगर याद रखो अल्लाह ने हमारे दिमागों को इतना कुन नहीं किया है, अल्लाह ने हमारे दिमागों को हमारे सीनों में धड़कता हुआ दिल दिया है, अल्लाह ने हमको सोच दी है, अल्लाह ने हमको फिक्र दी। हम समझते हैं तुम लोगों की साजिश को, 70 साल से हम इंतखाब परस्तों का मुकाबला करते आ रहे जमहूरी तरीके से, और आप कह रहे हमको नहीं मालूम, सेंसस कर रहे, नहीं सेंसस कर रहे आप, सेंसस 1948 एक्ट के तहत, एनपीआर 1955 सिटीजनशिप एक्ट के तहत जो 2003 में अमेंड किया गया था जब वाजपेयी वजीर आजम थे, इसीलिए हमको इसके खिलाफ आवाज उठाना है। ये हमारे एनपीआर खुद एनआरसी है, याद रखो आप, अगर एनपीआर में अगर ओवैसी का नाम नहीं आया और किसी सुरेश का नाम भी नहीं आया तो सुरेश से कहा जाएगा सुरेश भाई ठीक है, मत करो, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपको शहरियत देंगे, ओवैसी तो मुसलमान है उसको नहीं दे सकते, क्या ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नहीं है? ये है मेरे भाई, जब इन सच्चाई को हम बयान करते हैं इनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है, ये सच्चाई है। आप समझे मेरी बात को, एनपीआर एनआरसी में फर्क समझे, नहीं समझ में आया तो बोलो फिर बोलता हूं, समझ गए? तो आप एनपीआर की मुखालिफत करेंगे क्योंकि एनपीआर खुद एनआरसी का पहला कदम है, जवाब है इनका, एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड एनआरसी, ये गवर्नमेंट बीजेपी की कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए ये लोग गलत बोलकर कंफ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे हैं, इस मुल्क को एनपीआर की जरूरत नहीं है। आप एनपीआर क्यों कर रहे हैं बताओ, ताकि एनआरसी करें। इसीलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि एनपीआर पर भी रोक लगाई जाए,
हम तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी और हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा करते हैं कि आपकी हुकूमत तेलंगाना में एनपीआर पर स्टे लगाए, जैसा कि केरला की हुकूमत ने उस पर स्टे लगाया। एनपीआर अगर होगा तो एनआरसी की तरफ है, वो एनआरसी है, और कैसे भरोसा करेंगे, क्योंकि नाम निकाले जाएंगे। जब एनआरसी में नाम लिस्ट आएगी तो लिखा जाएगा, अरे हादी तुम तो मदीना मस्जिद में रहते नहीं, तुम तो कराची के मदीना मस्जिद के रहने वाले हो, और हादी को वो लोग भी नहीं लेंगे। तो होगा क्या, आप और हम ना वतन छोड़ सकते, और क्यों छोड़ेंगे, हम यहां पर रखेंगे बगैर हुकूक के। ना आपको एहतजाज का हक होगा, ना आपको जायदाद खरीदने का हक होगा, ना आपको तालीम का हक होगा, ना आपको कुछ नहीं होगा और डालने का नहीं होगा। ये इनका असल मंसूबा है, स्टेटलेस बनाना चाहते हैं भारत में लोग। मैं सलाम करता हूं हमारे उन हिंदू भाइयों को, उन दलित भाइयों को जो इस एहतजाज में शामिल है और लड़ रहे हैं। मैं आपको दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मुल्क को बचाने की लड़ाई है, ये मुल्क की रूह को बचाने की लड़ाई है। ये मुल्क को इसलिए बचाना है कि हमने इस मुल्क को आजादी हासिल की, सबने इसमें खून दिया। रेशमी रुमाल की तहरीक हमारे उलमाओं ने शुरू की, मार्टा के जेलों में तकलीफ उठाई और आरएसएस को तकलीफ नहीं उठाई, बल्कि आरएसएस के लोग अंग्रेजों की तारीफ कर रहे थे, माफीनामा लिख कर दे रहे थे। जब अल्लामा फजल खैराबादी फांसी के फंदे को मुस्कुराकर कलमा पढ़कर जामे शहादत को रोश फरमाया, आज आप हमसे पूछ रहे हैं कि तुम बताओ कि तुम इस मुल्क के शहरी हो या नहीं। मेरे भाई, ये किसी भी हिंदुस्तानी के लिए बेइज्जती की बात होगी कि उसको लाइन में खड़े होकर, आज इतने बुजुर्ग यहां बैठे हैं, इनकी उम्र कम से कम 70 साल की तो होगी, 70 साल के बाद महबूब नगर में इनको लाइन में खड़े होकर बताना पड़ेगा एक ऑफिसर को कि नहीं, मैं हिंदुस्तान का हूं, मैं भारत का हूं, मैं इसी मदीना मस्जिद के गली में पैदा हुआ, मैं इसी कब्रस्तान में मेरी मां की खबर है, इसी कब्रस्तान में मेरे बाप की खबर है, मेरे दादा की खबर है, मैं इसी स्कूल में पढ़ा था, मगर आज मुझसे कहा जा रहा है कि तुम अपनी शहरियत को साबित करो। ये हर हिंदुस्तानी के लिए इनडिग्निफाइड है। राइट टू डिग्निटी संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये हिंदुस्तान के वजीर आजम करना चाहते हैं, सबको लाइन में खड़ा कर दो, और लाइन में कब खड़ा होगा देश, कितनी बेइज्जती की बात होगी कि सबको बताना पड़ेगा। मुझे क्यों बताना पड़ेगा, मेरे बाप दादा ने तो मोहम्मद अली जिना के पैगाम को ठुकराया था। हमने कहा कि हमारा ताल्लुक जिना से नहीं है, हम जिना के पैगाम को ठुकराते हैं। जमीयत उलमा की तारीख है कि जिना के पैगाम को ठुकराया, बल्कि उलमा ने यहां तक कहा कि तुम अगर इस्लाम के नाम पर मुल्क बना रहे हो गलत है। बताओ किसने कहा था, ये हमारे उलमाओं ने कहा था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यहां तक कहा कि अल्लाह की जमीन पूरी दुनिया इबादत की है, कोई एक मखसूस जगह इस्लाम की नहीं बन सकती। ये हमने कहा था, किसने कहा था, हमने कहा था। आज तुम हमसे पूछ रहे हो, क्या जवाब दोगे तुम, क्या मुंह लेकर तुम आए हो अवाम के दरमियान में, क्या तुम भूल गए हिंदुस्तान के वजीर आजम कि वो दिल्ली की जामा मस्जिद जहां पर तुमने गिरफ्तारियां की, उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, मुसलमानों से मुखातिब होकर कहा था कि तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजारो। मौलाना आजाद ने कहा था कि तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजारो, अगर तुम भागने के लिए तैयार हो तो तुम्हें कोई नहीं भगा सकता।
इंशाअल्लाह ताला हम नहीं जाएंगे। सुनो हिंदुस्तान के वजीर आजम, अब हिजरत नहीं होगी, यही हमारा मुल्क है, यहीं पर रहेंगे हम इंशाअल्लाह ताला, और बाइज्जत शहरी बनकर रहेंगे, बाइज्जत शहरी थे और रहेंगे। कोई हमको हमारी जड़ों से नहीं निकाल सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एनपीआर और एनआरसी और सीडब्ल्यूए का कनेक्शन, मैं आज भी पूछ रहा हूं अमित शाह साहब से, क्या आसाम में जो 5,40,000 बंगाली हिंदूज जिनका नाम एनआरसी में नहीं आया, क्या आपका वहां का फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं कहा कि ये 5,40,000 बंगाली हिंदूज को हम सीडब्ल्यूए के तहत, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनको हम हिंदुस्तान की सिटीजनशिप दे देंगे? उन्होंने कहा ये बात, और वो जो 5,00,000 के करीब जो मुसलमान जिसके नाम आसाम के एनआरसी में नहीं आए, उनके ऊपर मुकदमा चलता रहेगा, फॉरनर्स ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलेगा, डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा, उनके वोटिंग का राइट खत्म हो जाएगा। ये बात भी हेमंत बिस्व शर्मा ने कही, अगर ये 5,00,000 को हम शहरियत दे देंगे बंगाली हिंदूज को, तो हम 17 असेंबली की सीट जीत सकेंगे। इसका कोई जवाब नहीं देते अमित शाह, क्या आप देंगे नहीं देंगे आसाम के 5,00,000 हिंदुओं को, बताओ आप। रिफ्यूजी अगर बनाना है बनाओ, सबको बनाओ, हमको एतराज नहीं है, मगर मजहब के नाम पर रिफ्यूजी और शहरियत देना गलत है। पाकिस्तान से मुझे क्या करना है? बीजेपी के लोग आपसे बोलेंगे, मैं जब यहां पर आ रहा था तो एक सियासतदान आपके करें महबूब नगर के बोले, असद साहब जरा तेलुगु में बोले, जरा एहतियात से बोलना, आपका वीडियो निकाल दे कहते बीजेपी वाले। मैं बोला सर वेरी गुड, निकालो, अगर मेरी आवाज और मेरे दलाइल को सुनेंगे तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरे भाई आप अंदाजा लगाइए, ये काम आसाम में हो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं देते। मजहब के नाम पर क्यों देते सिटीजनशिप आप सबको दो आप, और पाकिस्तान से मुझे क्या करना है? बीजेपी वाले बोलते, अरे तुम्हारे लोगों को तो, तुम तुर्कुड़ियों को सऊदी अरब है, तुम्हारे को पाकिस्तान है, तुम्हारे को बांग्लादेश है, तुम्हारे को ईरान है, तुम्हारे को टर्की है, मोरक्को है, इजिप्ट है, तुम कहीं भी जा सकते हो भाई साहब, हम लोग कहां जाएंगे? याद रखो, मैं आज महबूब नगर से भी कह रहा हूं, कल भी कहा था, भारत के मुसलमान को सऊदी अरब से कोई लेना देना नहीं है, हमको सऊदी अरब से लेना देना नहीं है। हां हमारा काबा है वहां पर, सऊदी अरब में नहीं है, मक्का में है, हमारे आखा का रोजा है मदीने में है, मगर मुल्क से क्या करना है मुझे? मेरा मुल्क ये सरजमीन है, मेरी लैला मेरी महबूबा तो हिंदुस्तान है और रहेगी। मुझे ईरान से क्या करना है? मुझे अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, टर्की से क्या करना है? मुझे भारत से मतलब था और भारत से मतलब रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बार बार अरे तुम, अरे वहां क्या क्यों जाते भाई, हम ख्वाब में भी नहीं देखते। अगर जा रहे हैं सऊदी अरब को तो आप मुल्क को ही फायदा पहुंचा रहे ना, अगर यूएई को जा रहे हैं तो मुल्क को फायदा पहुंचा रहे, बहरीन को जा रहे हैं तो मुल्क को फायदा पहुंचा रहे, खतर को जा रहे हैं तो मुल्क को फायदा पहुंचा रहे, कुवैत को जा रहे हैं तो मुल्क को फायदा पहुंचा रहे, लीबिया को गए तो मुल्क को फायदा पहुंचा रहे। कैसा फायदा पहुंचा रहे? वहां कमाकर भारत को भिजा रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज भारत का हम बढ़ा रहे हैं। ये जो अमेरिका में ये जो हाउडी मोदी हुआ था, वो जो अमेरिका में जो भारत के लोग हैं वो एक पैसा नहीं भिजाते, थोड़े बहुत भिजाते, मगर सबसे ज्यादा पैसा फॉरेन एक्सचेंज कहां से आता? गल्फ से आता, मिडिल ईस्ट से आता, उसमें सबसे ज्यादा पैसा किसका है? हम लोगों का, हम लोगों का। और वो अमेरिका में बैठने वाले तो प्यारे ग्रीन कार्ड लिए तो बोलता घर खरीद लो, मॉर्गेज ले लो, घर खरीद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये है
और जो कुछ भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में, सुनो आप मेरे भाई, दुआओं में याद रखो उत्तर प्रदेश की सरजमीन को। हिंदू अखबार लिखता है, 23 दिसंबर का हिंदू अखबार लिखता है कि मुजफ्फरनगर की नई आबादी में महावीर चौक पर जब एक धरना दिया जा रहा था तो मरकजी वजीर जिसका नाम संजीव बालियान है वो धरने में आ जाता है। धरना हो रहा उनकी हुकूमत के खिलाफ, मरकजी वजीर आकर पुलिस को उकसाता है, ये हिंदू अखबार लिख रहा है। और वहां से पुलिस फायरिंग होती है और पुलिस फायरिंग में वहां पर एक शख्स की मौत हो जाती है, नई आबादी का रहने वाला नूर मोहम्मद। और नूर मोहम्मद का किस्सा यह है कि नूर मोहम्मद ड्राइवरी करते थे, 400-500 रुपये दिन में कमाते थे। इनकी एक 1.5 साल की बेटी है और नूर मोहम्मद की बीवी हमारी बेटी अब हामिला है। गोली लग गई नूर मोहम्मद को, नूर मोहम्मद खत्म। मरकजी वजीर क्यों गए जुलूस में, क्या जरूरत थी उनको वहां पर जाने, हिंदू अखबार लिख रहा है। गुलेर वाली गली में हाजी अनवर इलाही 75 साल के, 100 पुलिस वाले घर में घुस गए, हार्ट के पेशेंट हैं, फालिज का अटैक हुआ तो बराबर चल नहीं सकते, घर में घुस के हाजी अनवर अली के गाड़ी को तोड़ दिए, उनकी बेटी की शादी का जो जेवर रखा गया था वो गायब हो गया। कंप्लेंट नहीं दे सक रहे हाजी साहब डर के मारे। आसिफ खान की मोबाइल की दुकान थी, आसिफ खान को दुकान बंद करके जा रहा था, ये जालिम लोग उसको रोक कर मारे, पूरी मोबाइल की दुकान को लूट लिए। आसिफ खान कह रहा 10 लाख का नुकसान हुआ। इंडियन एक्सप्रेस अखबार 23 दिसंबर का लिखता है कि कालापार एरिया में पुलिस घुस गई, यही हाजी अनवर इलाही का नाम लेकर। और हाजी अनवर इलाही इंडियन एक्सप्रेस से कह रहे हैं कि जहां पर पुलिस वाले मुझे रखे थे रात भर, मैं रात भर बच्चों की चीख और पुकार की आवाज सुन रहा था, बच्चों की तकलीफ की आवाज सुन रहा था, बच्चे तकलीफ से पुकार रहे थे। क्या कर रहे थे होंगे पुलिस वाले, खाना खिला रहे थे उनको अपने हाथों से मेरे भाई। फिर वहीं पर अब्दुल करीम मस्जिद में उसके शीशे तोड़े गए, सीसीटीवी कैमरा को तोड़ दिया, वीडियो है देखो आप, बहादुर पुलिस। 65 दुकानों को सील कर दी पुलिस, कैसा सील करेंगे, किस बुनियाद पर, अरे मेरी दुकान है, दुकान वाला खुद अपनी दुकान को से गड़बड़ करता है क्या, कोई भी नहीं करता, चाहे हिंदू है मुसलमान। चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि उस दुकान को हम एक्शन हरास कर देंगे, कैसा करेंगे, किस बुनियाद पर दुकान को सील लगाया गया, गैर कानूनी है। फर्स्ट पोस्ट अखबार की रिपोर्ट, वेबसाइट है 24 दिसंबर, एक अंजुमन है तरक्की तालीम का हॉस्टल है, हॉस्टल में घुस के बच्चों को मारे, 10 बच्चों को, यतीम खाना है वो, एक 75 साल के उसके नाजिम को इतना मारा, 24 घंटे के बाद उनको छोड़े तो हजरत जो है अपने हाथ और पैर में उनके दर्द है, इतना पुलिस वाले मारे। क्विंट अखबार की, क्विंट वेबसाइट की रिपोर्ट है, स्क्रॉल की रिपोर्ट है, स्क्रॉल वेबसाइट, सुप्रिया शर्मा एक मशहूर जर्नलिस्ट लिखती है कि एक जईफ आदमी को जिसका नाम शमशुद्दीन है, एक पैर पूरा फालिज में, उनको पुलिस वाले घर से निकालकर मार रहे, वीडियो है देखो आप, मैं नहीं कह रहा हूं। और वीडियो के खत्म पर तार निकाला जाती है पुलिस के फायर की, अब तक किसी को पता नहीं शमशुद्दीन कहां है। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और फिर एक उसी वेब स्क्रॉल में रिपोर्ट है कि एक महमूदा खातून हमारी एक मां है जो हाथ जोड़कर भीख मांग रही थी, मेरे बेटे को मत लिख जाओ, मेरा बेटा नमाज को भी नहीं गया, बेटे को भी लेकर गए, घर में तौनतारी करे, 50,000 गायब। ये क्या हो रहा है। फिर आप बताइए, उसी जगह पर बिजनौर में अनस हुसैन एक खूबसूरत बच्चा, इतना हैंडसम, मैं उसकी तस्वीर देखा आंख में आंसू आ गए। अनस हुसैन
21 साल का बच्चा अपने 7 महीने की औलाद के लिए, बेटे के लिए दूध लाने गया, काला कोट पहना हुआ था, वालिद बोल रहे मत जा बेटा, ठहरने वाला नहीं, अब्बा जाके दूध लाता हूं मेरे 7 महीने के बेटे के लिए, तो उसके बाई आंख में गोली लग गई। और जब महल्ले में लोग पुकारना शुरू करे कि काले कोट पहनने वाले को गोली लगी, सोचो तसव्वुर करो थोड़ी देर के लिए कि तुम वहां पर हो, तुम्हारा बेटा काला कोट पहना हुआ है और लोग तुमसे आकर कह रहे हैं कि काला कोट पहनने वाले बच्चे को आंख में गोली लगी, बच्चा खत्म हो गया, पुलिस की स्ट्रेट बुलेट आई बोलते। फिर एक और बच्चा सुलेमान, मोहम्मद सुलेमान, उसकी मां बता रही है मीडिया को कि देखो ये मेरे बच्चे का टाइम टेबल है, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था मेरा बेटा, नमाज पढ़ने के लिए गया तो पुलिस उसको एक महल्ले में पकड़ी और उसकी लाश दूसरे महल्ले में निकली, एक महल्ले से पकड़ के दूसरे महल्ले में उसकी लाश पुलिस देती है, उसके सीने में गोली मार दी गई। ये उत्तर प्रदेश में हुआ मेरे भाई। और फिर अनस को और मोहम्मद सुलेमान को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहा कि तुमको अपने आबाई गांव में नहतार में दफन होने भी नहीं देंगे, तुम दंगाई हो, तुमको वहां की जमीन नहीं मिलेगी, गांव के बाहर किसी एक जगह पर उनको दफना दिया गया। बताइए क्या है हो रहा हमारे मुल्क में, कैसी भी हमारे बुजुर्गों ने रेशमी रूमाल की तहरीक शुरू की थी, कैसी भी हम तमाम ने महात्मा गांधी के साथ खंडा से खंडा मिलाकर लाठियां खाई, जेल की सोबतों का बर्दाश्त किया मेरे भाई। और वाराणसी में मोहम्मद सगीर 22 दिसंबर का टेलीग्राफ अखबार लिखता है कि धारावा स्ट्रीट बैजुरुदा में एक 8 साल का बच्चा मोहम्मद सगीर, पुलिस लाठी चार्ज करी, भीड़ खामोश थी, आवाम लाठी चार्ज की, लोग जब दौड़ते गए तो बच्चा भी उनके पैरों में, किसी के पैरों में आकर मर गया। ये हुआ है, ये मैं नहीं, अखबारात का हवाला देकर आपसे कह रहा हूं, ये अखबारात का हवाला देकर आपसे कह रहा हूं, ये हमारे वतन अजीज में हो रहा है। आपको मालूम, आपको जानकर तकलीफ होगी कि अब तक उत्तर प्रदेश में 5,400 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 705 लोग दिल्ली में गिरफ्तार हो गए। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि हिन्दुस्तान के वजीर आजम जो लोग मरे उनके बारे में भी कहेंगे कि गलत हुआ, मुझे तकलीफ होती है, मगर नहीं जिक्र किए वजीर आजम, कुछ जिक्र नहीं किया हमारे वजीर आजम मेरे भाई। इसीलिए मैंने दारुसलाम के जलसे से कहा था कि एहतजाज लंबा करना है, अगर कामयाब करना है तो हमको तशद्दुद को, वायलेंस को रोकना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं दिल्ली के दरियागंज में क्या हुआ, 12 साल के बच्चा पुलिस स्टेशन में रो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश हो रही है, एहतजाज करना किसी का जमहूरी हक है, मगर तशद्दुद कहां से आ रहा है। जामे मिलिया में एक बच्चा, बिहार का बच्चा, गरीब खानदान का, मिनाजुद्दीन लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा, हजरत पुलिस घुसकर उसको मारकर उसकी आंख फोड़ दिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बच्चा, अब बताइए आप क्या करें। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में तमाम जितनी 18 मौतें हुई, अम्बात हुई हैं, इसका एक इंडिपेंडेंट आजादना जुडिशियल इंक्वायरी होना जरूरी है, हकीकत मालूम हो, अगर किसी ने किया है तो जुर्म दो, सजा दो उसको, मगर ये क्या गोली मार रहे। और उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि नहीं पुलिस तो फायरिंग नहीं की, ये दंगाई फायरिंग की। अरे आखिर इतना हथियार कहां से आ गया भाई इनके पास, 18 लोग मर गए, अनस मर गया, सुलेमान मर गया, नाम लेकर आपके सामने कह रहा हूं, मगर इसका कौन इंसाफ करेगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि हमको CAA, NPR और NRC के खिलाफ आवाज उठाना है, और आवाज हम उठाते रहेंगे। बल्कि मैं तो महबूब नगर से हमारे वजीर आला से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि KCR साहब, आप इसको रोक लगा दो, अपनी रियासत को बचा लो आप,
मैं पूरे तेलंगाना की आवाम की नुमाइंदगी तो नहीं करता, मगर इतना तो मैं दावा कर सकता हूं कि महबूब नगर में जो आज ये लोग बैठे, इनकी तरफ से मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपकी हुकूमत से हमको उम्मीद है कि आप एनपीआर को, एनआरसी को रोक लगा देंगे और तेलंगाना में उसको नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, ये तेलंगाना के लिए ठीक नहीं है। जब मुल्क के लिए ठीक नहीं है तो तेलंगाना के लिए कहां होगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं टीआरएस पार्टी का कि उन्होंने पार्लियामेंट में इस कानून, इस काले कानून के खिलाफ वोट दिया। आसान नहीं है मेरे भाई आजूज माजूज के खिलाफ वोट देना, आसान नहीं है। मगर जब मैं चीफ मिनिस्टर से बात किया तो चीफ मिनिस्टर मेरी आवाज सुन के बोले, मैं जानता हूं क्यों फोन किया, मेरा सर आपको ये करना है। बोले एक बात याद रखो आप, मैं रियासत का चीफ मिनिस्टर हूं, मुझे हुकूमत चलाना है, रियासत चलाना है, मगर कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर मैं सियासत नहीं कर सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि इसके खिलाफ हमको पूरा मंद एहतजाज करना पड़ेगा। जमीयत उलमा मौलाना अरशद मदनी साहब भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में अपना केस डाला हूं और आपसे ये गुजारिश करने आया हूं कि आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारा साथ दीजिए। तिरंगा जो लेकर आए ना आप, बहुत अच्छा काम किए। दारुसलाम में जब तिरंगे लहरा रहे थे तो एक बीजेपी के जानने वाले मुझे कहीं मिले, बोले अरे ओएसी। मैंने कहा बोलो प्यारे। बोले प्यारे बोल रहे। बोला हाँ प्यारे ही बोलेंगे आप। बोले तिरंगा लहरा रहे थे तुम्हारे ऑफिस में। मेरा इसलिए लहरा रहे थे। बोले हम भी लहराते। मेरा नहीं, तुम्हारे हमारे लहराने में फर्क है। बोले क्या फर्क है अब की बार हम ये बता रहे हैं कि तिरंगा इसलिए लहरा रहे कि मुल्क को बचाना, मुल्क को बचाना है, इसलिए हम तिरंगा लहरा रहे हैं। हम अपनी वफादारियों को दिखाने के लिए नहीं लाए तिरंगा इन जलसों में, मुल्क को बचाने के लिए बता रहे हैं कि तिरंगा है, मुल्क की निशानी है। जिसको बनाने वाले का नाम सफरानी था, वो मुसलमान था, ये मुल्क हमारा है, उसको मुल्क को बचाने के लिए इस तिरंगे को लहरा रहे हैं। वफादारी दिखाने के लिए नहीं कर रहे। वफादारी कब तक दिखाएंगे मेरे भाई। मैं आपसे अपील कर रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मेरे सवाल का आप तमाम जवाब दीजिए। क्या आप इंडियन हैं? क्या आप इस मुल्क के शहरी हैं? जरा जोर से बोलो। बीजेपी वाले रिकॉर्ड कर रहे इसको। क्या आप भारत के शहरी हैं? क्या आपके वालिद वालदा भारत के शहरी हैं? क्या आप शहरी हैं या दीमक हैं? क्या आप हिंदुस्तान के सिटीजन हैं या दीमक है, टर्माइट है? जोर से बोलो। क्या आप बाइज्जत हिंदुस्तानी मुसलमान हैं? क्या आप बाइज्जत हिंदुस्तानी मुसलमान हैं? क्या आप बीजेपी को इस्लाम, भारत से इस्लाम मुक्त करने देंगे? क्या आप बीजेपी को भारत से इस्लाम मुक्त करने देंगे? क्या आप भारत से हिंदुत्व को खत्म करेंगे? तो फिर मेरी आपसे गुजारिश है, क्या आप एनआरसी, एनपीआर और सीएए को रिजेक्ट करते हैं? मेरे भाई एक आवाज में बोलिए कि आप सीएए, एनपीआर, एनआरसी को रिजेक्ट करते हैं। तो मेरे साथ नारा लगाइए भाई, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का संविधान। और हम इस जलसे से, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से मुतालबा करते हैं कि इस मुल्क को एनपीआर, एनआरसी की जरूरत नहीं है, इस मुल्क को रोजगार की जरूरत है। शुक्रिया। वाखर दावन अलहमदुल्लाह रब्बिल आलमीन।